सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने IRCTC अकाउंट के यूजर ID और पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप IRCTC की वेबसाइट से कोई टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर कोई रिजर्वेशन बुक करना चाहते हैं, तो आपके अगर आपके पास कोई ID और पासवर्ड नहीं है लेकिन आप उसे फॉरगेट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने ID और पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हो अपने IRCTC अकाउंट के। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों IRCTC के जो यूजर ID और पासवर्ड को फॉरगेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे वही लोग अपना ID और पासवर्ड फॉरगेट करेंगे जिन्होंने यहाँ पे पहले से अपना कभी भविष्य में अकाउंट बनाया था। अगर आपने भविष्य में कभी भी अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे फॉरगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका फॉरगेट नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पहले से अपना एक अकाउंट बनाया था और मैं इसका ID और पासवर्ड भूल गया हूँ और अब मैं उसे फॉरगेट करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम अपने जो है मेल ID पे जाते हैं, अपने मेल को ओपन करते हैं, तो वहां पे हम उसे बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए निकालना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसके लिए आपको आना होगा अपने जीमेल अकाउंट में। तो आप आ जाइए अपने जीमेल अकाउंट में, और जीमेल अकाउंट में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिखना है IRCTC। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं IRCTC। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे .co.in यहाँ पे लिख देते हैं और इसे सर्च करते हैं। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास IRCTC मेल आए होंगे वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेल आए थे बहुत सारे जब मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट बनाया था IRCTC पे, और ये जो अकाउंट है 2016 के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक किसी भी जो है उस IRCTC जितने भी मुझे मेल आए थे उसमें से एक मेल को जो है ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इस मेल को ओपन करता हूँ, क्योंकि ये जो मुझे मेल आया था ये मोबाइल वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया था जब मेरा, तो यहाँ पे मुझे मेल मिला था। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूजर आईडी थी, यहाँ पे आप यूजर आईडी को यहाँ पे देख सकते हो, और सॉरी मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है तो आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे सही तरीके से। तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना यूजर आईडी निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपको अपना यूजर आईडी मिल गया है, तो अब आप जो है उसे कैसे जो है उसके पासवर्ड को फॉरगेट करोगे और कैसे जो है उसे लॉगिन करोगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, इस जो है यूजर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद देखिए अब आ जाइए आप इस IRCTC की वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए फॉरगेट पासवर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको अपना यूजर आईडी डालना है। तो यहाँ पे आप यूजर आईडी डाल दीजिए, मैं यहाँ पे यूजर आईडी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पे हम इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इस बॉक्स में भर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम भर लेते हैं, करेंगे फैच डिटेल्स पे क्लिक करें। चलिए फैच कर लेते हैं डिटेल्स को। तो देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स आ गया है और इसे बता रहा है कि आपका आईडी पहले से बना हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पासवर्ड को दोबारा जो है बना सकते हैं। तो देखिए दोबारा पासवर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, या तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे दिया था आंसर, ठीक है, अकाउंट बनाते समय, तो वो आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अगर आप वो जो है आंसर भूल गए हो सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको OTP को वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे उस जो है मैसेज को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि वो मैसेज में OTP आया होगा और उस OTP को हम यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे एक पासवर्ड चुनेंगे हम, ठीक है, कोई सा नया पासवर्ड चुन लीजिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, फिर कुछ अक्षर स्मॉल होने चाहिए, और लास्ट में एक जो है न्यूमेरिक जो है कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे आपको पासवर्ड चुनना है, और ऐसा यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड दोबारा पासवर्ड टाइप करना है, और यहाँ पे आपको इस कैप्चा को डालना है और सबमिट कर देना है, तो आपका सक्सेसफुली जो है पासवर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है उसी आईडी से और जो आपने पासवर्ड बनाया है इससे अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, और बड़ी ही आसानी से उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, और फिर जो भी टिकट बुक करना चाहते हो वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।